वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बनाते हैं हम टमाटर से एक नई मिठाई। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 20 ग्राम, और इसमें 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें कोई लम्स ना रहे, और इस तरह से पतला घोल तैयार करके आप रख लें एक तरफ। और स्वीट बनाने के लिए 200 ग्राम देसी टमाटर का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। देसी टमाटर ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस स्वीट के लिए। और ऊपर से कट लगाएं टमाटर के ऊपर, और इसे गर्म पानी में डुबा कर रखें 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से इसका छिलका जो है बहुत आसानी से निकल जाता है। आप नॉर्मल भी प्यूरी बना रहे हैं घर पे, तो इस तरह से आप टमाटर का छिलका निकाल कर प्यूरी बना सकते हैं। बहुत अच्छी प्यूरी तैयार होती है। टमाटर का छिलका काटने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऊपर का टॉप का जो हिस्सा होता है काला वाला, उसे निकाल कर फेंक दें। इस टमाटर की हम प्यूरी बनाकर रख लेंगे। इसके बाद एक पैन में इस प्यूरी को हम छान लेंगे, जिससे इसका जो बीज होगा वो निकल जाएगा आसानी से, और जो छोटे बड़े टुकड़े होंगे जो पीसे नहीं होंगे वो भी निकल जाएंगे। एक फाइन प्यूरी हमें मिल जाएगा। फिर आधा कप पानी इसमें और मिला लें। अब इन्हें गैस पर धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। जब टमाटर की प्यूरी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम मिलाएंगे 40 ग्राम शक्कर। शक्कर डालने के बाद इसे और थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि शक्कर जो पिघल जाए और जो प्यूरी है थोड़ी सी थिक हो जाए। अब इसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर का घोल, और मिलाने से पहले कॉर्नफ्लोर को एक बार और से फेंट लीजिए। फिर एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालिए थोड़ा थोड़ा, और एक हाथ से चलाते रहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि नीचे जाकर जम जाएगा और गुठलियां पड़ जाएंगी। तो सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा डालिए और मिलाते रहिए कंटिन्यू। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहिए और मिलाते रहिए। धीमी आंच पे इसे पकाना है। जैसे जैसे पकने लगेगा वैसे वैसे थिक होते जाएगा। और यदि आप इसमें नींबू मिलाना चाहते हैं तो यहीं पर आप नींबू का जूस डाल दें आधा छोटा चम्मच, ये और भी टेस्टी हो जाएगा। यदि टमाटर खट्टे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और धीमी आंच पे इसे पकाना है। और ये देखिए बहुत हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये उठाया एक चम्मच से तो दिख रहा है कितना थिक है। इसे सेट करने के लिए किसी कटोरे या कांच का बाउल है या मोल्ड है उसमें तेल अप्लाई करना, और इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे। और ऊपर से अच्छी तरह से इसको बराबर कर लें और ठंडा होने के लिए इसे रख दें। 2 से 3 घंटे में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और अपने आप ये सेट हो जाएगा। आप जल्दीबाजी में हैं तो इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जम गया है हमारा टमाटर का, जो जेली बोल सकते हैं या फिर इसको हलवा बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे अपनी मनचाहे आकार में काट लें इसे। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। फिर इसे हम नारियल के पाउडर में कोट करेंगे। इस तरह से आपकी एक टमाटर की मिठाई तैयार हो गई। बिल्कुल अलग है, यूनिक है, और बहुत जल्दी और बहुत ही सस्ती मिठाई आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फलों का भी बनाएं तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, ऑरेंज जेली, लेमन जेली, आप उसे जाकर देख लें, मेरे चैनल में है। और यदि आप ऐसा ही और चाहते हैं रेसिपी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मेरी रेसिपी और मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। बाय बाय।